चलिए गाइस आई थिंक वी ऑल कैन बी स्टार्टिंग दिस ओके लिसन हम लोगों ने जो कल तक क्वेश्चन कर लिए थे हैव गॉट अ बेसिक आइडिया हाउ दी सिंग्स कल वाले अपने सारे के सारे क्वेश्चन फॉर ऑल अबाउट प्रोसेस वन ओनी लेकिन अभी यहाँ पर कुछ ना कुछ अलग आ जाएगा ओके okay, वो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं तो तुम लोगों को पता चल जाएगा ठीक है तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन पे आइए प्लीज सब लोगल्स पीएलसी मैन्युफैक्चर्स अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इन वराइटी ऑफ प्रोसेसेस एंड द डेटा गिवन बिलो रिलेट्स टू प्रोसेस थ्री फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। चलिए ठीक है तो दिस इज द डेटा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल आपको प्रोसेस थ्री का अकाउंट वो चाहिए यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोसेस थ्री अकाउंट एज वेल एज ए नॉर्मल लॉस और गेन अकाउंट ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस टू ऑब्वियसली प्रोसेस थ्री है तो प्रोसेस टू से कुछ ना कुछ तो आएगा ट्रांसफर टू प्रोसेस फोर अभी प्रोसेस थ्री के बाद प्रोसेस फोर भी है डायरेक्ट मटीरियल एडेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ठीक है डायरेक्ट वेज इज इनकड इन द प्रोसेस प्रोडक्शन ओवर इज अपोर्शन टू द प्रोसेस देर इज अ नॉर्मल लॉस इन प्रोसेस ऑफ टेन पर्सन ऑफ थ्रू पुट अगर बुक है तो ठीक है ओके तो यू ऑल कैन राइट इन द बुक वरना कि लिख के रखो थ्रू पुट मीन्स वॉट इट मीन्स ओपनिंग प्लस इनपुट लेस क्लोजिंग स्टॉक ये चीज याद रख लेना प्लीज थ्रू पुट का मतलब ये होता है आगे ऑल द यूनिट स्क्रैप्ड कैन बी सोल्ड एट पॉइंट टू ईच तुम लोगों को स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है ठीक है आगे ओपनिंग डब्ल्यू आईपी बारह सो यूनिट डिग्री ऑफ कंप्लीशन मटीरियल उसके बाद वेजेस प्रोडक्शन ओवरेज अच्छा मटेरियल एडेड इन द प्रोसेस एक चीज ना मैं अभी एडवांस के अंदर ही बोल रहा हूं ताकि अपने को बार बार ये चीजें डिस्कस करने की जरूरत ना पड़े सपोज ये प्रोसेस है है ठीक है? कुछ एक एग्जांपल देता हूं ताकि आई कैन स्पीक विद यू ऑल प्रोसेस थ्री के अंदर क्या होता है क्लॉथ आता है सपोज प्रोसेस टू से ठीक है क्लॉथ आएगा प्रोसेस टू से और हम लोग उसको शर्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं ठीक है शर्ट्स के अंदर तो प्रोसेस थ्री के अंदर क्लॉथ आएगा प्रोसेस टू से हम लोग मैन्युफैक्चर वगैरह वो, वो करेंगे विल कन्वर्ट ठीक है ध्यान से सुना मेरा नेक्स्ट सेंटेंस अभी तुमको समझ में आएगा इस डिपार्टमेंट के अंदर दो दो मटेरियल होएगा एक तो मटेरियल वो होगा जो ऑलरेडी मैंने लिख दिया है मतलब बोलो कौन सा मटेरियल होगा क्लॉथ क्लॉथ ओके तो ऑब्वियसली क्लॉथ विल बी कमिंग फ्रॉम द फ्री फ्रॉम द प्रीवियस डिपार्टमेंट मैं इसको एक मटेरियल बोल देगा ताकि अपने बीच में कुछ कम्युनिकेशन गैप ना हो आई विल कॉल दैट एज P2 टू मटीरियल पी टू मटीरियल मतलब जो पिछले डिपार्टमेंट से आ रहा अपने तो है अपने लिए तो वह मटीरियल ना यार ओके दर इज वन थिंग वो हो गया एक चीज दूसरा दूसरा जरा सोचो इस डिपार्टमेंट के अंदर इस डिपार्टमेंट के अंदर बटन वगैरह भी तो एड होगा ना यार अभी बटन हम लोग पिछले डिपार्टमेंट से तो नहीं खरीदने वाले ओके okay? सो so ये जो वगैरह है विल बी मटीरियल एडेड इन दिस प्रोसेस सबको समझ में आता है ओके yes, 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 okay, तो अब ना इस एग्जाम्पल के थ्रू विल ट्राई टू बी प्रोसीडिंग ताकि तुम लोग को आ, मेरी लैंग्वेज और तुम्हारी लैंग्वेज के ना कुछ फर्क ना हो देखो डिग्री ऑफ कंप्लीशन मटीरियल्स एडेड इन द प्रोसेस मटीरियल्स एडेड इन द प्रोसेस ये वो बटन्स वाला चीज होएगा ठीक है इनफैक्ट यहां पर लिखने के बदले में तुमको एक और जगह वो बोलता हूं वहां पर वो लिखना देखो पॉइंट नंबर वन के अंदर ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस टू ये वाला चीज तुम्हारा क्लॉथ होएगा दिस मस्ट बी योर क्लॉथ ठीक है और ये जो पॉइंट नंबर थ्री है ना मटीरियल्स एडेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ये तुम्हारा बटन्स वाला पार्ट होएगा ठीक है अभी देखो उन लोगों ने ना तुम लोगों को क्या दिया हुआ है ओपनिंग डब्ल्यू डिग्री ऑफ कंप्लीशन मटीरियल एडेड इन द प्रोसेस डायरेक्ट वेजेस उसके बाद प्रोडक्शन ओवर चलो ठीक है उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक वन थाउजेंड डिग्री ऑफ कंप्लीशन मटीरियल एडेड इन द प्रोसेस डायरेक्ट वेजेस एंड फैक्ट्री ओर उसके बाद प्लीज योर माइक्स प्लीज Unit scrapped, एक मिनट हम लोगों ने कल ही किया था यार यूनिट स्क्रैप्ड का इन दोनों में से एक मतलब हो सकता है दोनों में से एक क्या मतलब हो सकता है या नॉर्मल लॉस प्लस एब नॉर्मल लॉस या नॉर्मल लॉस लेस एबनॉर्मल गेन ठीक है तो देख लेंगे दोनों में से क्या मतलब होता है डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी यहां पे दे के रखा हुआ है ठीक है चलो अभी मैंने जो तुम लोग को वो बोला ना मैंने यहां पर देखो वो प्रिंट करके रखा हुआ है लास्ट पीरियड एग्जाम्पल मैं तुमको बस ये वाला चीज बोल रहा हूँ कि मैंने शॉर्ट्स के अंदर क्या लिखा हुआ है ठीक है सपोज एक शर्ट के अंदर मेरे को पानी पिला के दीजिए तो सपोज एक शर्ट के अंदर आ, दस बटन लगता है ठीक है सपोज एक शर्ट के अंदर दस बटन लगता है टेन बटन लगता है ठीक है दस बटन के अंदर से ओपनिंग स्टॉक के अंदर ओपनिंग स्टॉक के अंदर ऑलरेडी चार बटन लगा के रखा हुआ है तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन एज फार एज बटन को विल बिकम कितना फोर्टी परसेंट ठीक है बाकी चीजें अभी आपको क्वेश्चन के अंदर ही बोलूंगा मेरे को सब कुछ नहीं रिवील करना है ठीक है तो अपने को प्रोसेस थ्री अकाउंट बनाना है उसके साथ उन लोगों ने बोला था कि अदर अकाउंट्स भी बना देना अदर अकाउंट्स मतलब एबनॉर्मल लॉस या गेन अकाउंट एक्चुअली अपने को नॉर्मल लॉस अकाउंट नहीं चाहिए बट क्या है लेट्स जस्ट वो मेक इट एग्जाम्स के ना वो मत बनाना तो यहां पे आई एम ट्राइंग टू बी मेकिंग इट ठीक है अभी आप लोग क्या कर रहे हो स्क्रीन पर ही देखते रहना पॉइंट नंबर सिक्स बराबर से पढ़ो और उसके बाद पॉइंट नंबर इलेवन ध्यान से पढ़ो ठीक है ये दोनों पॉइंट ध्यान से पढ़ो और कुछ नहीं करना पॉइंट नंबर नॉर्मल लॉस करना उसके बाद यूनिट स्क्रैप देखना तो तुम लोगों को पता चलेगा इस क्वेश्चन के ना एबनॉर्मल लॉस आएगा कि एबनॉर्मल गेन आएगा ठीक है जरा ट्राई करो एक बार मेरे को बताओ होबनॉर्मल लॉस के एबनॉर्मल गेन लॉस मेरे को यूनिट्स भी बोल देना 532 का, नहीं बेटा गलत है वो पहले थ्रूपुट निकालना उसका टेन परसेंट मारना उसके बाद पता चल जाएगा टू फिफ्टी का हम टू फिफ्टी का करेक्ट टू फिफ्टी आ जाएगा देखो कैसे तो कैल लो एक बार बारह सो ओपनिंग स्टॉक है यूनिट्स इनपुट मतलब जो पिछले प्रोसेस से आया वो टेन थाउजेंड एट हंड्रेड है उसके बाद लेस क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी बोले तो थाउजेंड ठीक है तो बारह सो प्लस दस हजार आठ सौ मतलब ट्वेल्व थाउजेंड माइनस थाउजेंड मतलब इलेवन हंड्रेड इलेवन हंड्रेड का टेन परसेंट कितना होता है ग्यारह सो ठीक है अच्छा तो नॉर्मल लॉस इज वन वन जीरो जीरो ठीक है फॉर श्योर नॉर्मल लॉस इज वन वन जीरो जीरो लेकिन टोटली यूनिट स्क्रैप कितना है वन थ्री फाइव जीरो तो क्वेश्चन के अंदर यूनिट स्क्रैप ज्यादा है तो एबनॉर्मल लॉस होगा कि एबनॉर्मल गेन होगा एबनॉर्मल लॉस होगा Loss. टू फिफ्टी यूनिट का Loss. ये अगर अभी अभी पता चलता है वेरी गुड थोड़ी देर में अपने अकाउंट के अंदर ये वाला चीज बैलेंसिंग फिगर के तौर पर भी आ जाएगा ठीक है तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं हमेशा की तरह आप लोग क्या करो एक अपना प्रोसेस थ्री अकाउंट बनाओ ठीक है एक मिनट के लिए जरा तो वो वेट करो ना प्लीज प्रोसेस थ्री अकाउंट एट लाइंस नॉर्मल लॉस अकाउंट एब्नॉर्मल लॉस अकाउंट फोर फोर लाइंस लेकिन उसके बाद ना इस सम के ना जो सबसे बड़ा कैच है वो मैं तुम लोगों को अब बोल रहा हूं ठीक है मैं तुम लोगों को ना क्वेश्चन फिर से दिखाता हूं मेको जरा बोलो की लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स का चेंज ऑफ कंप्लीशन हर जगह पर सेम है क्या नहीं नहीं है ना तुम तो, 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 तो मेरे को तो यहां पे तो तीन चीजें तो बनानी पड़ेंगी मेरे को तीन अलग अलग कॉलम बनाने पड़ेंगे मटेरियल लेबर और फैक्ट्री ओवर के लिए लेकिन मैंने ये बोला ये भी गलत ही बोला क्यों क्योंकि ना यहां पर जरा सोचो जब तुम लोग प्रोसेस थ्री अकाउंट को बनाओगे ना प्रोसेस थ्री अकाउंट चलो मैंने वो यहां पर बना के रखा हुआ है मेरे ना यहाँ पर डेबिट साइड पे जरा सोचो हम लोग हर एक्सपेंस के लिए एक एक कॉलम बनाते हैं तो जरा सोचो डेबिट साइड पे तीन खर्चे नहीं आएंगे चार खर्चे आएंगे पहले मेरे को चार खर्चों का नाम बोलो वो जो हुआ। एक जो प्रोसेस टू से आया और उसके बाद नारी अपने नारी तीन खर्चे ओके सब सबको समझा ये ये ये। तो अपने को ना यहां पर अभी चार अलग अलग कॉलम्स की जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा नीट काम करने का ट्राई करना मेरे को यहां पे स्टेटमेंट ऑफ इक्वालेंट आउटपुट के अंदर फर्स्ट टाइम इन दिस पर्टिकुलर केस आई विल रिक्वायर फोर कॉलम्स और देखो ये फोर कॉलम्स क्या होंगे पी टू मटीरियल्स जो पहले से आया उसके बाद इस पीरियड का मटीरियल्स उसके बाद इस पीरियड का लेबर इस पीरियड का फैक्ट्री ओवर है ठीक है दिस विल बी परसेंटेज यूनिट्स 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 ठीक है तुम लोग ये वाले अकाउंट्स आराम से बनाओ फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं बनाओ प्लीज I'm showing the below thing for some people. चलो अभी ये क्वेश्चन ना इतने सरप्राइजेस आते रहेंगे ना सो यहां पे जस्ट होल्ड ऑन फॉर सम टाइम ठीक है सुनो एक काम जरा करो ताकि अपने को ये वाला चीज बार में आ, बाद में कभी डाउट ना हो आ, अपनी नोटबुक्स के टेरेस के ऊपर लिख के रखना लिखो सपोज इन प्रोसेस थ्री Cloth is converted into shirts. So can you repeat? Suppose in process three. Suppose in process three cloth is converted into shirts. Full show. Cloth will come from previous process. cloth will come from previous process and therefore it is p2 materials and buttons will be added in this process only एंड बटन्स विल बी एडेड इन दिस प्रोसेस ओनी बस जिधर भी क्लॉथ लिखा उसको अंडरलाइन करो जिधर भी बटंस लिखा उधर अंडरलाइन करो और अभी तक अगर नहीं लिखा था तो इधर यू ऑल कैन राइट ऑन क्लॉथ इधर यू ऑल कैन राइट ऑन बटन्स तो अभी क्या है आर एग्जाम्पल विल बी क्वाइट कंप्लीट चलो सुनो अभी क्या कर रहे हैं हमेशा की तरह जो भी सम के ना डेटा है वो हम लोग लिखना स्टार्ट कर लेंगे ठीक है तो पहले एक काम जरा करो अपने अकाउंट पे आ जाओ बेटा यहां पे लिखो टू ओपनिंग स्टॉक उसके बाद लिखना टू टू मटीरियल्स उसके बाद लिख देना टू मटीरियल्स उसके बाद टू लेबर उसके बाद टू फैक्ट्री ओवर हेड उसके बाद बाय नॉर्मल लॉस एक लाइन वो छोड़ दो यहां पे प्रोसेस थ्री के बाद शायद प्रोसेस फोर भी दिया हुआ है लास्ट लाइन के अंदर क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा और अपने को चलो ऑलरेडी पता चल चुका है कि अब नॉर्मल लॉस आने वाला है ये दोनों पोस्टिंग्स कभी ना कभी तो करना ही है तो कर ही दो फिर टू प्रोसेस थ्री टू प्रोसेस थ्री यहां पर भी आ जाएगा कैश बैंक यहां पर भी आ जाएगा कैश बैंक और यहां पर डिफरेंस विल बी गोइंग टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चलो सुनो स्टार्ट करें अभी सम के अंदर अभी डेटा हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी कॉपी पेस्ट कर पाएंगे ठीक है सुनो मैं ये सब कुछ जो है वो रब कर रहा हूं ताकि नाउ आई कैन डायरेक्टली स्टार्ट अवे एंड आई कैन कीप ऑन टेकिंग व्हाट ऑल इज ओवर ओके तो सुनो एग्जाम के ना नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं अगर नहीं पूछा हुआ तो ठीक है यहां पे आई एम जस्ट मेकिंग जस्ट फॉर द ऑफ इट ओके अदरवाइज इज नॉट आस्ट तो सबसे पहले ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस टू दस हजार यूनिट सेवन नाइन एट जीरो तो चलो यहां पे ये वाला फिगर दस हजार आठ सौ सेवन नाइन एट जीरो आगे ट्रांसफर टू प्रोसेस फोर नाइन सिक्स फाइव जीरो सो नाइन सिक्स फाइव जीरो आगे डायरेक्ट मटेरियल्स एडेड ड्यूरिंग द प्रोसेस टू जीरो वन नाइन टू जीरो वन नाइन उसके बाद टू एट टू नाइन उसके बाद फैक्ट्री ओवर एट सिक्स सिक्स टू टू सिक्स सिक्स टू टू ठीक है ये वाला भी हो गया सो ऑल दिस इन्फॉर्मेशन इज ओवर इज अ नॉर्मल लॉस ऑफ टेन परसेंट ऑफ कैलकुलेशन हमेशा की तरह दिखाएंगे बेटा टेन परसेंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक बारह सो कुछ दिया हुआ था इनपुट दस हजार आठ सौ क्लोजिंग स्टॉक हजार था ये अपना पहले बात हुआ था मेरे ख्याल से तो दिस इज इलेवन अच्छा तो दो और चीजें लिख दो अभी अभी तो बात किया बेटा ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ठीक है मैं आगे अभी देख लेता हूं क्या दिया हुआ ऑल द यूनिट स्क्रैप्ड कैन बी सोल्ड एट द रेट ऑफ पॉइंट टू इच तो एक काम जरा करो 1100 सो इंटू पॉइंट टू जरा करो 220। 220 आ जाएगा सुनो एक अकाउंट अभी अभी खत्म कर लो ताकि मैं उसके बारे में बात ही ना करूं फिर 1100, 220। ट्वेंटी इलेवन हंड्रेड टू ट्वेंटी आगे अच्छा आगे क्या क्या दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक बारह सो यूनिट दैट वी ऑल एव रिटर्न स्टेज ऑफ कंप्लीशन अभी नहीं चाहिए क्लोजिंग डब्ल्यू आईपी थाउजेंड यूनिट वो भी हम लोगों ने लिख दिया है स्टेज ऑफ कंप्लीशन अभी नहीं चाहिए यूनिट स्क्रैप 1350 था उसके ऐसे ग्यारह सो तो नॉर्मल लॉस है वैसे भी इस वक्त अगर बैलेंसिंग फिगर देखोगे क्रेडिट साइड पे आएगा और वो ढाई सौ यूनिट होगा यहां पे लिख देना 250 अच्छा तो सब लोग अभी क्या करो अब नॉर्मल लॉस अकाउंट के अंदर ये पोस्टिंग करो अमाउंट बाद में देखेंगे उसके बाद बाय कैश बैंक अच्छा ये ढाई सौ यूनिट वी विल स्क्रैप नो मेरे को जरा बोलो वी विल स्क्रैप इट एट व्हाट रेट तो, तो मल्टीप्लाई करो फिर फिफ्टी 50. 50. बाकी जब ये लेफ्ट हैंड साइड वाला ये वाला फिगर मिल जाएगा उसके बाद ये पी अकाउंट वाला फिगर आ जाएगा अच्छा सुनो हम लोगों ने वो सब कर लिया जो हम लोग करते हैं लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर देखो वी ऑल रेट दिस एंटायर क्वेश्चन और कुछ बाकी नहीं है अभी इस क्वेश्चन के ना एक फिगर जो आज तक हर एक क्वेश्चन के अंदर था इस क्वेश्चन के नहीं है तुम्हारे हिसाब से वो कौन सा फिगर है ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक स्टॉक का ना अपने को ये वाला अमाउंट नहीं दिया हुआ मेरे को एक बार जरा सब लोग बोलो फर्स्ट लेक्चर के अंदर जब स्टेटमेंट ऑफ आउटपुट बनाया था तब बोला था मेरे को बोलो इज दिस द अमाउंट इनकर्ड इन दिस पीरियड और द अमाउंट ऑलरेडी इनकर्ड और ये तो ये तो पहला वाला खर्चा है यार अपना ठीक है सो दिस इज दैट डैम कॉस्ट यार वो नहीं है बाद में देखेंगे अभी और क्या करें ठीक है चलो अभी जो नहीं है उसके लिए क्या स्टार्ट टू डू द थिंग्स ओके डू द थिंग्स मतलब यू आर डूइंग दिस चैप्टर फॉर वैल्यूएशन ऑफ डब्ल्यू स्टॉक फॉर वैल्यूएशन यू हैव टू बी डूइंग सम मेथड ओके अभी जो भी है बट विदाउट इवन टॉकिंग ऑफ द मेथड आपको दो तो कर लेना चाहिए मेरे को जरा बोलो कौन सा दो विदाउट थिंकिंग ऑफ द मेथड ऑल्सो दो चीजों का ब्रेकअप हम लोगों ने कल भी कर लिया था मेरे को बोलो क्या Obviously इन दिस केस नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस आर ऑलवेज आउट ऑफ बोलो of ऑफ इनपुट बस इट इज ऑलवेज आउट ऑफ इनपुट वी ऑलवेज ट्राई टू बी saying losses तब होते हैं जब आप लोग प्रोडक्शन स्टार्ट करते हो सो विदाउट इवन थिंकिंग ऑफ द मेथड, दस हजार आठ सौ का पहले तू दो पार्ट कर ले उसके बाद आगे बात करना सो दिस विल बी इलेवन हंड्रेड दिस विल बी टू फिफ्टी ये पहले कर लो और उसके बाद फीफो मेथड ऊपर लिखो और बाकी जो भी ब्रेकअप्स बच गए वो करो पहले जो भी ब्रेकअप्स बच गए प्लीज करो चल तो जो पहले स्टार्ट हुआ वो पहले खत्म हुआ तो एक पार्ट 1200, दूसरा पार्ट बच गया 8450। 8450 ये तीसरा वाला पार्ट है और बाकी यहां पर जो बच गया दिस विल बी नथिंग बट योर क्लोजिंग स्टॉक ठीक है अच्छा कल हम लोगों ने काफी क्वेश्चन किए ताकि यू ऑल आर केपेबल ऑफ टेलिंग मी मैं जिस ऑर्डर के अंदर पूछ रहा हूं प्लीज वैसे ही जवाब देना ताकि क्योस ना हो मेरे को जरा बोलो यहां पर तुम लोग कितने सेंटेंसेस लिखोगे अपने दिमाग में सोचो और मेरे को बोलना कितने सेंटेंसेस लिखोगे काउंट करो और मेरे को बोलो फोर ठीक है मेरे को बोलो फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा ओपनिंग स्टॉक प्रोसेस फर्दर एंड कंप्लीटेड मेरे को बोलो कितना यूनिट्स बारह तो, सो ठीक तो, है सेकेंड सेंटेंस बोलो स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड ठीक है कितना यूनिट्स एट फोर फाइव जीरो ठीक है तीसरा सॉलिड बोलना अभी गलत मत बोलना मेरे को बोलो थर्ड विल बी एबनॉर्मल लॉस कितना यूनिट्स टू फिफ्टी एंड लास्टली स्टार्टेड एंड नॉट फिनिश वन थाउजेंड यूनिट इज दैट ओके ठीक है okay. अभी ये चार चीजें आप लोग यहां पर लिखना स्टार्ट करो ओपनिंग स्टॉक प्रोसेस्ड फर्दर एंड कंप्लीटेड स्टार्टेड एंड फिनिश Abnormal loss started and not finished. Twelve hundred eight four five zero two fifty, and this will be thousand. अच्छा अभी सब लोग वही करेंगे जो आज तक किया है जो नया वाला चीज है वो छोड़ दो दैट वी विल सी आफ्टर सम टाइम ये वाला पार्ट आई डोंट एक्सपेक्ट यू ऑल टू बी डूइंग सो प्लीज डोंट डू ठीक है बाकी सब का तुम लोग को स्टेज ऑफ कंप्लीशन टेक्स्ट बुक के अंदर दे के रखा हुआ है जैसे हर क्वेश्चन के अंदर आज तक दे के रखा हुआ था ठीक है तो तुम लोग सुनो इसका स्टेज ऑफ कंप्लीशन ना दुनिया का कोई भी बुक तेरे को कभी देगा ही नहीं क्योंकि ये इंप्लाइड होता है तो वो हम लोग बाद में सोचेंगे दे विल नेवर एवर गिव यू जैसे तुम को याद होएगा केजीज वाले क्वेश्चन के अंदर वो लोग तुम लो को मटेरियल का स्टेज ऑफ कंप्लीशन कभी भी नहीं देगा ओके okay. क्योंकि वो देने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो इंप्लाइड होता है सेम वे तुमको इसका स्टेज ऑफ कंप्लीशन कभी भी नहीं देंगे बाकियों का उन लोग को देना पड़ेगा तो उन लोगों ने दिया तो है तो देख लो उन लोगों ने स्टेज ऑफ कंप्लीशन कौन से वाले मटेरियल्स का दिया हुआ है विच आर एडेड बाय दिस पर्टिकुलर प्रोसेस ओके हर एक जगह पर वैसा ही है तुम लोग ये चीजें देखो और तुम लोग ये सब कुछ कंप्लीट करो जो ब्लू वाला एरिया है उसको हाथ नहीं लगाना ठीक है और बाकी जो है वो वही है जो तुम लोगों ने हर क्वेश्चन के अंदर किया है स्टार्ट करो और टोटल भी मार लेना उजेंडी फाइव हम्म तो ओपनिंग जो था उसके ना फोर्टी परसेंट बटन था तो सिक्सटी परसेंट इस पीरियड के अंदर आया रहेगा लेबर 60 परसेंट था तो इस पीरियड के अंदर 40 परसेंट और 70 परसेंट पहले से था तो 30 परसेंट इस पीरियड के अंदर 720 दिस इज 480 दिस इज 360 फिर उसके बाद यूनिट स्क्रैप्ड 50 40 20 तो इधर भी 50 40 20 आएगा 50 40 20 तो ये आ जाएगा 125 हंड्रेड ये आ जाएगा फिफ्टी क्लोजिंग स्टॉक एटी फोर्टी सिक्सटी एटी फोर्टी सिक्सटी तो दिस इज एट हंड्रेड फोर हंड्रेड सिक्स हंड्रेड ठीक है टोल कितना होता है बेटा टेन थाउजेंड नाइनटी फाइव तो आगे बोल नाइन फोर थ्री जीरो नाइन फोर थ्री जीरो नाइन फोर सिक्स जीरो अच्छा यहां तक अपने को कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए तो ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस इज डैम टू इजी ठीक है ये बहुत इजी काम है लेकिन अभी ये समझो है ना दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग ठीक है बस सब कुछ जो है वो इसी चीज के ऊपर है सुनो अभी मेरे को जरा बोलो पी टू P2 पी टू मटीरियल्स बोले तो तुम्हारे लिए पी टू दिमाग में क्या आता है ठीक है ऑब्वियसली ये वाला जो चीज है ये बटन है बटन का तो वो लोग देगा ही देगा यार। Link, cloth तो पिछले प्रोसेस से आता है ठीक है अभी मेरे को इधर ना तुम लोगों से चार फिगर्स चाहिए कोई बोलना नहीं अगर तुमको लगता है योर आंसर इज करेक्ट ओके तो मेरे को प्राइवेट uh, चैट के ऊपर मैसेज कर दो ठीक है आराम से थोड़ा सा टाइम जाएगा थिंक ऑफ एनी डैम एग्जाम्पल एनी क्लॉथ वाला यूज करोगे तो बेस्ट है

सब लोग एक ही मैसेज के अंदर चार नंबर्स लिख के दो मेरे को आदर्श आपने तीन चीजें दी हैं मेरे को चार चीजें तो उसके बाद बात करता हूं आयुष रॉन्ग रोशन करेक्ट प्रथम रॉन्ग आदर्श रॉन्ग तनीशा रॉन्ग गौतम बेटा यू आर मैसेजिंग मी वन फिगर आई वांट एवरीबडी टू मैसेज मी फोर फिगर्स उज्जवल रॉन्ग मेरे को फोर फिगर्स एक मैसेज के अंदर बोलो देन आई विल बी एबल टू टेल यू ऑल समथिंग ध्रुव रॉन्ग गौतम चावला करेक्ट क्रिश रॉन्ग नेहा रॉन्ग पलक रोंग आयरा जम्मू रॉन्ग आकाश सिंह करेक्ट साक्षी रॉन्ग सॉलिड दिमाग यूज करो ये आना चाहिए तुमको एक मिनट पीपल हैव इट रॉन्ग टिल नाउ सुनो तुमको क्या सोचने का है इस पीरियड के अंदर ये चीज सोचो उसके बाद मैसेज करना तो अभी मत करो ओपनिंग स्टॉक के अंदर इस पीरियड के अंदर और कपड़ा कितना ऐड हुआ एट फोर फाइव जीरो यूनिट्स के अंदर और कपड़ा कितना ऐड हुआ एबनॉर्मल लॉस के लिए इस पीरियड के अंदर कपड़ा कितना ऐड हुआ और इसके लिए कपड़ा कितना ऐड हुआ ठीक है आगोश रोंग नेहा रोंग आयुष रोंग ध्रुव करेक्ट पलक रोंग आदर्श रोंग उज्जवल रोंग खुशाल रोंग कृतिका रोंग मानसी रोंग प्रथम रॉन्ग सुनो नाउ इनफ नाउ यू गिवन योर आंसर्स ठीक है आई थिंक टेन परसेंट वर करेक्ट रेस्ट ऑल को वो चीज के ना इंटरेस्ट नहीं आप मेरे को बता दोगे तो अच्छा रहेगा समझा जो आपने को बोला मैंक्षी रॉन्ग नाउ प्लीज डोंट मैसेज यार सुनो 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 देखो अभी ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये है मंथ ऑफ अप्रैल का प्रोसेस थ्री का ठीक है अभी ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं अजीब चीज में करता हूं लेकिन एंड के अंदर आई विल डू वट एवर यू ऑल वॉन्ट ठीक है लेकिन अजीब चीज कर रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं तुम लोग को ना फेब का डेटा दे रहा हूं फेब का डेटा ठीक है और तुमको एक और चीज भी बोल देता हूं यह तो प्रोसेस थ्री है ठीक है प्रोसेस थ्री के अंदर क्लॉथ गेट्स कन्वर्टेड इनटू शर्ट्स ठीक है पी टू भी लिखता हूं पी टू के अंदर कॉटन नहीं लिखता हूं थ्रेड गेट्स कन्वर्टेड मेरे को बोलो इंप्लाइडली थ्रेड गेट्स कन्वर्टेड इनटू क्लॉथ ना यार ओके जो इधर का इनपुट है पिछले प्रोसेस का आउटपुट होगा ठीक है फेब के अंदर क्या हुआ था ये प्रोसेस टू से स्टार्ट कर रहा हूं ऑल्दो आई एम इंटरेस्टेड इन प्रोसेस थ्री ठीक है उसे पहले एक सड़ियल क्वेश्चन है मास्किंग यू लेकिन देखो कितने लोग वो गलत आंसर देंगे देखना सोचना आराम से गलत ही दोगे मोस्ट ऑफ यू ऑल दिस इज़ ओपनिंग स्टॉक ऑफ़ प्रोसेस सॉरी दिस इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रोसेस थ्री ठीक है दिस इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रोसेस थ्री फॉर अप्रैल दिस मस्ट बी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ज बी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टोरी प्रोसेस थ्री फॉर द मंथ ऑफ मार्च ऑब्वियसली घटिया चीज नहीं बोलेगा सर प्रोसेस टू बेटा मेरा ओपनिंग स्टॉक मेरा ही क्लोजिंग स्टॉक होएगा मेरा ओपनिंग स्टॉक तेरा क्लोजिंग स्टॉक वो कैसे होएगा यार वो अलग है ये अलग है ठीक है तो ऑब्वियसली दिस इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रोसेस थ्री

क्लॉथ के अंदर कन्वर्ट करना था क्लॉथ के अंदर कन्वर्ट करना था दस हजार के अंदर से आठ हजार यूनिट क्लॉथ बन गया ठीक है कैन वी ठीक है तो बाकी यहां पर ये जो दो हजार यूनिट बच गया ना मेरे को पहले जरा बोलो ये क्या होगा क्लोजिंग स्टॉक दिस इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रोसेस टू ओके okay. अज्यूमिंग कोई लॉसेज लौ, वगैरह वो नहीं है ठीक है मैं इसको अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करता हूं ये जो है ना ये जो है ये जो है ये 2000 यूनिट बेटा ये थ्रेड तो है लेकिन ये पूरा का पूरा, का पूरा कपड़ा नहीं है इज दिस ओके यस सर यस सर ये पूरा का पूरा थ्रेड तो है क्योंकि थ्रेड ही तो मिला था तो पिछले लेकिन अभी तक इसको क्लॉथ के अंदर नहीं कन्वर्ट कर पाए ठीक है तो दिस विल बी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी ऑफ प्रोसेस टू ऑल दो आई एम हेल इंटरेस्टेड क्योंकि मेरे को तो प्रोसेस के बारे में बात करने का है तो अभी मैं फेब मंथ की बात कर रहा हूं ये आठ हजार यूनिट प्रोसेस थ्री को मिला ओके प्रोसेस थ्री को इस आठ हजार यूनिट को कैन से ये आठ हजार मेरे को पहले जरा बोलो ये डिस्क्राइब करो ये आठ हजार क्या है ये क्या आया क्लॉथ आया ठीक है ये 8000 यूनिट ऑफ क्लॉथ आया ठीक है अपने को इसको किसके ना कन्वर्ट करने का था शर्ट्स के अंदर ठीक है इसके अंदर से 6800 शर्ट्स पूरी की पूरी बन गई जैसी बन गई मोस्ट ट्रांसफर इट टू प्रोसेस फोर इज दिस ओके मैंने इसको प्रोसेस फोर के ना ट्रांसफर कर दिया ठीक है बाकी यहां पर बारह बच गया ठीक है बारह सो मेरे को बोलो विल बी रिप्रेजेंटिंग व्हाट दिस विल बी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आईपी ऑफ बोल 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 प्रोसेस थ्री प्रोसेस कैन बी से कैन बी से ये जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रोसेस थ्री है पक्की बात है ये कपड़ा तो इसके अंदर होएगा ही होएगा आगे बोल आगे बोल लेकिन ये पूरा का पूरा शर्ट नहीं होएगा। शायद इसके ने थोड़ा बहुत बटन भी डाला होगा वर्कर लोगों ने भी थोड़ा बहुत काम किया है फैक्ट्री ओवर भी थोड़ा बहुत लगा है। लेकिन सब कुछ नहीं लगा होगा क्योंकि दिस इज स्टिल क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी इज इज ओके नाउ बस अब मैं आ रहा हूं टू इन दिस पर्टिकुलर केस दिस एग्जाम्पल तुम लोग क्या करो अभी ये सोचो कि ये फेब का डेटा नहीं था सोच लेना ये मार्च का डेटा था ठीक है ये मार्च का डेटा था ठीक है ताकि आई कैन को रिलेटेड विद एग्जाम्पल और अभी अप्रैल स्टार्ट हो रहा है ठीक है अभी अप्रैल स्टार्ट हो रहा है अप्रैल के अंदर P2 के अंदर क्या हो रहा है ऑनेस्टली आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऑनेस्टली आई एम नॉट इंटरेस्टेड ठीक है लेकिन पी थ्री इन द मंथ ऑफ अप्रिल न बी से दिस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ पी थ्री ऑफ मार्च विल बिकम ओपनिंग स्टॉक ऑफ पी थ्री फॉर एप्रिल दीज विल बी नथिंग बट बारह सो यूनिट एंड ट्राइड टू कोर रिलेट एवरीथिंग नाउट टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन अब मेरे को लास्ट टाइम बोल देना वरना तुम्हारा पोपट वेगा सुनो ये बारह सो यूनिट वो चीजें हैं जिसके अंदर पूरा का पूरा कपड़ा तो है लेकिन अब ये शर्ट नहीं बना मैं इस पीरियड के अंदर इस पीरियड के अंदर इसको आगे प्रोसेस करके मेरे को बोलो किसके अंदर कन्वर्ट कर दूंगा शर्ट्स के अंदर लास्ट टाइम अभी पूछ रहा हूं इसको इसके अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या और कपड़े की जरूरत है नहीं नहीं क्योंकि कपड़ा तो पिछले पीरियड के अंदर आ गया ना सबको समझ में आता है तो इस पीरियड के अंदर ओपनिंग स्टॉक के लिए और कपड़ा तो आएगा ही नहीं बिकॉज दैट हैड फुल्ली कम इन द लास्ट मंथ ओनली तो दिस पर्टिकुलर फिगर इज गोइंग टू बी कितना परसेंट बेटा जीरो इज दस सब लोग बोलो मेरे को इज इज ओके अच्छा तो अब मैं तुमको दो लाइनें बोलता है अब मैं तुमको दो लाइनें बोलता है तुमको जिसके लिए यस सर बोलने का ही है वरना मैं गोली मार देगा सुनो Everything in process प्रोसेस necessarily has to be fully complete from process प्रोसेस point of view. व्यू जब तक P2 ने पूरा का पूरा कपड़ा नहीं बनाया आगे बोल आगे बोल आगे बोल तब तक वो P3 को ट्रांसफर भी नहीं करेगा ना यार ओके सो इन दिस पर्टिकुलर केस एवरीथिंग इन P3 टू बी फुल्ली कंप्लीट फ्रॉम प्रोसेस टू पॉइंट ऑफ व्यू लेकिन ओपनिंग स्टॉक के लिए सारा का सारा जो कपड़ा है ये ओपनिंग स्टॉक स्टार्ट हुआ था लास्ट पीरियड के अंदर तो उसके लिए कपड़ा कभी आ गया था लास्ट पीरियड के अंदर तो इस पीरियड के अंदर कुछ भी कपड़ा ऐड नहीं हुएगा सो दे फॉर दिस पर्टिकुलर फिगर विल बी जीरो तुमको समझाइट ओके आई हैव ट्राई टू रिपीट एड ट्वाइस ओके सुनो अगर तुमको ये जीरो समझा अगर तुमको ये जीरो समझा तो तुमको आगे कुछ और भी समझना चाहिए मेरे को जरा बोलो ये वाला फिगर कितना होगा सेकंड वाला फिगर मैं मर जाऊ एक मिनट बेटा जिसके वहां से वो आवाज आ रहा है प्लीज वो बंद रखा करो सुनो मेरे को बोलो ये एट फोर फाइव जीरो दिस विल बी यहां पर तो क्या परसेंटेज आएगा हंड्रेड परसेंट अभी ये मत सुना सर हमेशा हंड्रेड ही आता है तो इसके लिए हंड्रेड मेरे को वो हंड्रेड की कोई जरूरत नहीं है लेकिन तुमको ये समझ में आएगा एट फोर फाइव जीरो यूनिट इज पार्ट ऑफ टेन थाउजेंड एट हंड्रेड बेटा टेन थाउजेंड एट हंड्रेड यूनिट जितना कपड़ा तो इसी पीरियड के अंदर आया ना तो एट फोर फाइव जीरो यूनिट्स के लिए सारा का सारा कपड़ा तो इसी पीरियड के अंदर आया ना Yes. तो ये हंड्रेड परसेंट आएगा अभी नेक्स्ट अगर तुम लोगों ने गलत बोला मतलब यू आर मैड ओके मेरे को बोलो ये वाला फिगर कितना आएगा 100, 100. ये हंड्रेड ही आएगा ओके okay. अगर किसी को फिर भी डाउट है तो एक बार जरा सोच लेना दिस इज एबनॉर्मल लॉस नो बट एबनॉर्मल लॉस इज पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर फिगर नो तो इस पीरियड के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि दस हजार आठ सौ यूनिट्स ऑफ कपड़ा आया उसके अंदर से मैं 250 यूनिट के ऊपर काम कर रहा था काम कर रहा था मतलब मैं उस कपड़े को आगे बोलो आगे बोलो आगे बोलो मैं उस कपड़े तो को, तो को शर्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर रहा था लेकिन बीच में 250 यूनिट खराब हो गए मैंने भंगार वाले को बुलाया मैंने रद्दी वाले को बुलाया मैंने वो बेच दिया जो मैंने उसको बेचा उसके अंदर कुछ और हो या ना हो लेकिन 100% कपड़ा तो होएगा ना समझ में आता है क्यों एवरी थिंग इन प्रोसेस थ्री हैज टू बी फुल्ली कंप्लीट फ्रॉम प्रोसेस टू पॉइंट ऑफ व्यू नो तो यहां पर यह वाला फिगर हंड्रेड परसेंट आ जाएगा लास्ट टाइम लास्ट टाइम लास्ट टाइम मेरे को जरा बोलो ये वाला फिगर कितना आएगा यह हंड्रेड परसेंट आ जाएगा ओके okay. किसी को कुछ डाउट है no, sir. चलो अभी ये वाले जो अमाउंट है ये कंप्लीट करो उसके बाद आगे बात करते हैं तो ये जीरो आ जाएगा ये एट फोर फाइव जीरो आ जाएगा ये टू फिफ्टी आ जाएगा ये थाउजेंड आ जाएगा 9, आता है? Yes, चलो सुनो अभी शॉर्ट्स ना पूरा का पूरा नहीं पढ़ने का प्लीज जो मैं बोल रहा हूं सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे देखो जो इधर लिखा है वो तुमको समझ में आना चाहिए स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ पी टू मटीरियल इज इंप्लाइड डू रिमेंबर गुड्स इन पी थ्री मस्ट बी फुली कंप्लीट फ्रॉम पी टू पॉइंट ऑफ व्यू एल्सू वुड नॉट है ओपनिंग स्टॉक मस्ट है लास्ट पीरियड इन विच कंप्लीट पी टू मटीरियल मस्ट है ठीक है आगे चलो आगे वाला पॉइंट नंबर थ्री अगर तुम लोगों ने वो पढ़ लिया यू आर मैड ओके सुनो तुम्हारा ये वाला जो काम है ये हो गया ठीक है अभी उसके बाद दिस वर्क इज ऑल ओवर अभी वही करते हैं जो आज तक किया कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट तो सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट सेवन नाइन एट जीरो पी टू मटीरियल सेवन नाइन एट जीरो सेवन नाइन एट जीरो टू जीरो वन नाइन ये टू एट टू नाइन ये सिक्स सिक्स डबल टू अच्छा रुको 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 तुम लोग नहीं लिखना तुम लोग नहीं लिखना तुम लोग नहीं लिखना तुम लोग नहीं लिखना जीरो जीरो नाइन फाइव नाइन फोर थ्री जीरो नाइन फोर सिक्स जीरो मेरे को जरा बोलो एक और चीज लेस करना बाकी है तुम लोग को मालूम है बेटा क्या? ना इस दो सो बीस रुपया था तो मेरे को दो सौ बीस रुपया तो लेस करने का है मेरे को बोलो कल तक ये दो सौ बीस रुपया हम लोग किधर से लेस करता था मैं अभी पंगा पड़ गया अभी पंगा पड़ गया तो बोलते सर क्या पंगा पड़ गया पंगा है ना बेटा देर आर टू मटीरियल एक ये और एक ये अभी कल तुमको एक क्वेश्चन पूछा था सेम क्वेश्चन बस ऑप्शन अलग किधर से लेस करूं फर्स्ट के अंदर से सेकंड के अंदर से सर दोनों के अंदर से थोड़ा थोड़ा वरना फोर्थ ऑप्शन आई एम अदर थॉट इज ओनली कमिंग टू माय माइंड मेरे को बोलना किधर से वन टू के थ्री जो लोगों ने करेक्ट आंसर दिया बाई गॉड बोलो तो नीचे पड़ा ना तुमने सुनो है। देखो अभी जो मैं बोल रहा हूं वो रीजन याद रखना ठीक है ध्यान से सुनना नॉट द रीजन एड सिंह ध्यान से सुनना हमेशा उसको यहीं से लेस करने का अनलेस अदरवाइज कोई बोलता है सर ऐसा क्यों ऐसा इसके लिए क्योंकि ये जो है ना ये जो है बाय डिफॉल्ट दिस इज लाइक कपड़ा बाय डिफॉल्ट दिस इज लाइक बटन जो अर्लियर प्रोसेस मटेरियल होएगा ना यूजुअली दैट विल बी फार मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू द मटेरियल्स एडेड इन दिस प्रोसेस बाय डिफॉल्ट वी थिंक दिस अनलेस अनसन सम सेज अदरवाइज तुमको समझा जो मैंने बोला सुनो अभी इन दिस केस मैं ये टू फिफ्टी के बारे में या फिर मैं किसी भी चीज के बारे में, में बात कर सकता हूं सपोज ये जो ढाई सौ यूनिट है खराब हो गए ठीक मेरे को जरा बोलो ये ढाई सौ यूनिट खराब हो गए मैंने रद्दी वाले को बुलाया मैंने उसको बेच दिया इस ढाई सौ यूनिट के अंदर बटन सारे लगे हों या ना लगे हों लेकिन इसके अंदर कोई आगे बोलेगा कपड़ा तो पूरा का पूरा होगा बाई डिफॉल्ट वी स्टार्ट टू बी थिंकिंग कि वो जो रद्दी वाला है ना मेजरली पेजस बिकॉज देर इज क्लॉथ इन साइड मेजरली ही पेजस बिकॉज देर इज क्लॉथ इन इट ओके बाई डिफॉल्ट हम लोग ये वाला चीज सोचता है अनलेस एनटिल अगर कोई मेरे को सम के अंदर ऐसा लिख दे कि जो हम लोग बटन डालता है ना जो हम लोग बटन डालते हैं फॉर अ स्मॉल एग्जाम्पल फॉर अ स्मॉल एग्जाम्पल ये कपड़े का जो वैल्यू है ये जो कॉस्ट है सेवन नाइन एट जीरो है ये जो बटंस लगता है ना ये टू लैक नाइनटीन थाउजेंड रुपीज के हम, हमारा एक स्पेशलिटी uh, है हम लोग बटन सोने के डालता है सोने के ओके okay? जो बटंस होता है दैट इज मेड ऑफ गोल्ड नॉट गोल्ड प्लेटेड दैट इज मेड ऑफ गोल्ड ओके अभी जब मैं रद्दी वाले को वो वाला शर्ट बेचेगा ना ही विल मेजरली पे मी फॉर द गोल्ड अगर ऐसा होएगा ना तो सम तेरे को बता देगा अगर ऐसा अजीब चीज होएगा ना सम तेरे को बता देगा वरना बाय डिफॉल्ट वी ट्राई टू बी थिंकिंग आउट ऑफ दिस मटेरियल्स एंड दिस मटेरियल्स दिस मटेरियल इज फार मोर इंपॉर्टेंट एंड दैट स्क्रैप वाला पेज मी मेजरली बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर केस देर इज कपड़ा इन इट इज दिस ओके Yes. अगर किसी और चीज के अंदर से लेस करने का होगा ओके okay, वो लोग कभी कभी तुमको एक लाइन अलग से दे देता है इट हैज बीन फाउंड आउट दैट मटीरियल एडेड इन दिस प्रोसेस आर फार मोर वैल्यूएबल एज कंपेयर टू मटीरियल कम फ्रॉम द प्रीवियस प्रोसेस अगर ऐसा होएगा तो फिर आप लोग दो सौ बीस रुपया इधर से लेस कर देना लेकिन अगर ऐसा होएगा विल टेल यू दैट पर्टिकुलर थिंग अगर नहीं बोला है तो आपको दो रुपया हमेशा किधर से लेस करना पड़ेगा P2 टू मटीरियल से इज दिस ओके ठीक है, yes, है. Yes, तो यहां पर आप लोग लिख के रखना 220 ट्वेंटी yes, ठीक है ये चारों आंसर्स निकालो सर आप सुनो आगे ना आप लोग स्टार्ट करना जस्ट बिफोर यू स्टार्ट एक चीज सोच लो सर इस क्वेश्चन के अंदर ना हम लोग आगे तो कंप्लीट कर ही नहीं सकते क्योंकि अपने पास ये वाली फिगर नहीं है चल इसके अलावा जो भी कुछ कर सकते हो वो वाला काम कर लेना ठीक है तो मतलब तुम लोग सुनो 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 स्टार्टेड एंड फिनिश्ड ओके यहां पर ये वाला काम जो है वो कर लेना उसके बाद मेरे को जरा बोलो यहां पर तुम्हारा सेकेंड नोट किस चीज के लिए आएगा? के। और पूरा पूरा खत्म हो, पूरा पूरा हो जाएगा लेकिन जिधर भी येलो है ना वो वाले नंबर्स नहीं आ पाएंगे क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू नहीं है तो वो वाली चीजें आप मत लिखो उसके अलावा बाकी सब कुछ तो लिखो ओके स्टार्ट करो Thank <laughs> you. ये वाला फिगर बताओ ना मेरे को ये कितना आता फाइव सिक्सटी कुछ ऐसा क्या ये कितना आता है 1840, कितना फाइव फोर्टी ठीक है एंड दिस इज एट फोर फाइव जीरो इंटू टू सिक्सटीन नाइन हंड्रेड ना ठीक yes, है yes, एब नॉर्मल लॉस विल बी टू नाइन्टी एंड क्लोजिंग स्टॉक इज़ फिफ्टीन हंड्रेड ऑब्वियसली अपना अकाउंट तो टैली हो ही नहीं सकता क्योंकि अभी तक अपने पास कुछ डेटा नहीं है चलो तो अकाउंट के अंदर जो चीजें लिख सकते थे 290 लिख दो 1500 लिख देना दिस इज टू दिस इज टू फोर्टी चलो सर ये सब हो गया तुम्हारे शॉर्ट्स के अंदर एक चीज जो एक्स्ट्रा है मैं पढ़ रहा हूं स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉ शुड बी रिड्यूस्ड फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस मटेरियल कॉस्ट बोले तो पी टू वाला जो हम लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर किया ठीक अगर सम के अंदर कुछ और दिया हुआ है प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शन ठीक है लेकिन अगर कुछ और नहीं दिया हुआ यू बी डूइंग दिस पार्ट ठीक है चलो यार अभी ओपनिंग स्टॉक का क्या करें जब तक वो नहीं होता मेरा सम ही खत्म नहीं होता यार ओके ये येलो वाला फिगर अपने पास नहीं है ऑनेस्टली जब ये येलो वाला फिगर आ जाएगा ना ये वाला फिगर तुम लोग इधर डाल देना ठीक है और मेरे ख्याल से सब कुछ कंप्लीट हो ही जाएगा ठीक है अच्छा आई एम आस्किंग यू माइट बी फॉर द लास्ट टाइम दिस इज दिस कॉस्ट 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 और लास्ट 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 एंड दिस शुड बी गिवन टू अस बट इफ इट इज नॉट गिवन देन वी हैव टू अज्यूम समथिंग ओनली मैंने ये वाला चीज शायद पहले भी बोला हुआ है यू शुड नो वेन टू मेक एन अजम्पन इन लाइफ वो तुमको अकाउंट्स के अंदर बहुत काम में आएगा एफ के अंदर बहुत काम में आएगा कॉस्टिंग सबसे ज्यादा काम में आएगा ओके यू मेक एन अजम्पन सम इज नॉट क्लियर नॉट वेन यू आर नॉट क्लियर ओके यू आर बिग इनफ टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस ओके यू मेक एन अजम्पन इन एबसेंस ऑफ इंफॉर्मेशन नॉट इन एबसेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग सबको ये भारी भरकम वर्ड समझ में आते हैं ठीक है तो अभी मैं एक अजम्पन मारने वाला हूं और वो अजम्पन क्या है ध्यान से सुनना एंड दिस अजम्पन एग्जाम्स मतलब ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू नहीं दिया हुआ इफ ओपनिंग स्टॉक्स वैल्यू इज नॉट गिवन देन वी अज्यूम दैट करंट पीरियड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज एप्लीकेबल टू लास्ट पीरियड ऑल्सो इज दिस अंडरस्टूड यू ऑल अंडरस्टूड द तो हम लोग अजम्पन मार रहे हैं कि जो इस पीरियड का कॉस्ट है वही कॉस्ट बोले तो ये वाला कॉस्ट ओके okay. वही कॉस्ट लास्ट पीरियड के अंदर भी था तो पहले ना वो वाला अजम्पन लिखते हैं दैट विल बी बेटर। तुम लोग लिखो रोमन नंबर फोर ये रोमन नंबर थ्री था रोमन नंबर टू था लिखो रोमन नंबर फोर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक Or next send bhi zara likho. In absence of information. In absence of information. Comma. We assume that. In absence of information we assume that current periods cost per unit of output current periods cost per unit of output is also applicable to last period uh, applicable to is also applicable to last period नेक्स्ट साइन पे देयर फोर वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक विल बी देयर फोर वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक विल बी अच्छा लास्ट टाइम लास्ट टाइम लास्ट टाइम मैंने पहले बोला था कि लास्ट टाइम पूछ रहा है लेकिन वो सेकंड लास्ट टाइम था यू वॉन्ट लास्ट पीरियड्स कॉस्ट और करंट पीरियड्स कॉस्ट लास्ट पीरियड बट फॉर दैट वी आर एज्यूमिंग करंट पीरियड पर यूनिट कॉस्ट आर एप्लीकेबल टू लास्ट पीरियड ऑल्सो और हम लोग ओपनिंग स्टॉक के लिए आंसर निकाल रहे हैं अभी नेक्स्ट साइन पे लिखो पी टू मटीरियल मटीरियल लेबर फैक्ट्री ओवर हेड अभी ओपनिंग स्टॉक 1200 यूनिट है लिखो 1200 1200 1200 सो बारह सो बारह सो इंटू 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 डैश 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 इंटू 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 पॉइंट एट पॉइंट टू पॉइंट थ्री पॉइंट सेवन सुनो अभी अपना पोपट नहीं करवाना मेरे को मत बोलना मेरे को मैसेज कर करके देना यू वॉन्ट लास्ट पीरियड के अंदर कितना खर्चा हो चुका है तो आप लोग मेरे को ये चार परसेंटेजेस टाइप करके दो चार परसेंटेज चार मेरे को चार आंसर्स देना चार आंसर्स देना मेरे को मानसी करेक्ट तने करेक्ट सृष्टि करेक्ट प्रथम करेक्ट तनिषा करेक्ट

तो जो इस पीरियड के अंदर काम हुआ तुम लोगों ने इस पीरियड के जीरो परसेंट क्यों लिखा पहले मेरे को बोलो इस पीरियड के ना ये वाला फिगर तो जीरो तो जी तो जी। तो क्योंकि पिछले पीरियड के हंड्रेड परसेंट तो, तो मेरे को वही वाला फिगर तो चाहिए मेरे को वही वाला फिगर तो चाहिए तो यहां पे आप लोग जरा लिखो हंड्रेड हंड्रेड परसेंट सेम वे इन दिस पर्टिकुलर केस इस पीरियड के अंदर बटन और सिक्सटी परसेंट एड हुआ क्योंकि पिछले पीरियड के ना फोर्टी परसेंट एड हुआ था मेरे फोर्टी परसेंट इनफैक्ट ये जो तीन नंबर है ना ये तो सारे के सारे अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर भी हैं बेटा फोर्टी सिक्सटी सेवेंटी तो फोर्टी से सिक्सटी 70 ये करो ये आंसर निकालो गलत है वो कुछ और आता है बासु चेक करो बेटा आपने जो लिखा था वो गलत है। 1860 वन एट सिक्स जीरो चलो ठीक है, है सुनो अभी ये वाला वन एट सिक्स जीरो मैं पहले दो जगह पे डाल के एटलीस्ट कुछ तो कंप्लीट कर लेता हूं इधर आओ यहां पे लिखना वन एट सिक्स जीरो इसके किधर ना यहां पे रोमा नंबर फोर दिखा देना ठीक है अभी यही वाला वन एट सिक्स जीरो जो है अपने रोमा नंबर थ्री में डालो तुम्हारा सम खत्म हो जाएगा यहां पर भी रोमा नंबर फोर दिखा देना नाइनटीन थ्री हंड्रेड नाइनटीन थ्री हंड्रेड अपने अकाउंट में डालो अकाउंट को टैली करो हो गया बेटा ये सबका टैली चलो सुनो 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 अब ना मेरे को कुछ और बोलने का है ऑल दो सम इज ऑल ओवर ये चीज में नहीं भी बोलेगा तो भी वो चलेगा लेकिन योर माइंड विल बिकम बेटर इफ आई टेल यू देखो अभी ये जो 2400 है ना देखो लक बाय चांस क्या हुआ हम लोगों ने वो वाला अजम्पन मार लिया वो वाला एज्शन यू ऑल नो लास्ट पीरियड तो अब जरा सोचो ओपनिंग स्टॉक 1200 यूनिट का था उसके अंदर से जितना भी पोर्शन पिछले साल कंप्लीट हुआ बाकी तो इस पीरियड के ना कंप्लीट हो गया और अगर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि लास्ट पीरियड का कॉस्ट इस सेम करंट पीरियड का कॉस्ट तो जब तक कंप्लीट होएगा हर एक यूनिट का पूरा का पूरा कॉस्ट दो रुपए का ही हो जाएगा बट दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द्शन तो ये जो चौबीस सौ रुपया है बेटा ये चौबीस सौ सिर्फ इसी क्वेश्चन के अंदर बिकॉज ऑफ द दिन आप लोग डायरेक्टली भी निकाल सकते हो कैसे बोलो ट्वेल्व हंड्रेड इंटू यूनिट इंटू टू मेरे को पहले जरा बोलो ऐसा में कोई और पिछले वाले क्वेश्चन के ना कर सकता था क्या आज तक नहीं मैं क्यों नहीं कर सकता था क्योंकि वहां पे अपने को लास्ट पीरियड का कॉस्ट दिया जाता था ना अलग से इज दैट अंडरस्टूड अच्छा अभी एक और चीज बोलते हैं और फिर मैं तुमको यह बताएगा कि मैं ये तुमको क्यों बता रहा हूं ठीक है अभी 1200 यूनिट का भी कॉस्ट जो है दो रुपया है 8450 का भी कॉस्ट दो रुपया है तो इन दिस पर्टिकुलर केस तुमको नेक्स्ट सेंटेंस मेरा समझ में आ ही जाएगा मैं यहां पे कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड निकाल रहा हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड मतलब नौ यूनिट का ना तो मैं यहां पर डायरेक्टली भी तो कर सकता था बोलो ना यार कैसे

तो अगर ये वाला क्वेश्चन मेरे को एग्जाम्स के अंदर आता है अगर ये वाला मेरे को के आता, तो मैंने तो बहुत साल से अभी पढ़ा के को ये वाला तो दिमाग के अंदर आई चुका है कि अगर ओपनिंग स्टॉक का इज नॉट गिवन एप्लीकेबल टू द लास्ट पीरियड ऑल्सो तो मैं ये सब कुछ कभी करता ही नहीं ठीक है मैं सिंपली एक ही काम कर लेता ये सब कुछ निकाल दो ओके okay? मैं क्या कर लेता मैं मैं पहले वो वाला वाला तो दाल ही देता। वगैरह ब्ला 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 और डायरेक्टली क्या कर लेता? Cost of goods completed will be 9, into 2. ये फिगर कितना आ जाता? 19, बाकी दोनों फिगर्स तो मेरे पास वैसा भी था तो तुमको ये वाला फिगर सारा का सारा वो मिल जाता नाइनटीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड यू कैन टेक ओपनिंग स्टॉक एज अ बैलेंसिंग फिगर ऑल्सो तुम्हारा बहुत सारा टाइम बच जाएगा yes, लेकिन ये वाला काम हर एक पिछले क्वेश्चन के अंदर नहीं करना मेरे को ऐसा फालतू चीज नहीं बोला सर पिछले हर एक क्वेश्चन के अंदर भी मैं यही वाला काम करेगा वो क्वेश्चन के अंदर ये वाला काम नहीं कर सकता था क्यों? क्योंकि क्योंकि वहां पर अपने भी को भी लास्ट ईयर का कॉस्ट दिया जाता था तो आई नॉट बी दैट टू पे टू बी मेकिंग दैट अजम्पन इज दैट फाइन चलो सुनो 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 मेरा काम हो गया ठीक है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर हेड तुम लोग अभी अभी स्टार्ट करोगे और मेरे को ऐसा लगता है एंड तक शायद कई लोग का आंसर ना आए बट दैट्स ओके एक दो क्वेश्चन तो तुम लोग को वो करने पड़ेंगे ये वाला प्रोसेस थ्री था विद एबनॉर्मल लॉस तुमको समझ में आ जाएगा मैंने नेक्स्ट वाला वैरायटी क्या रखा हुएगा ओके वो टाइटल के तौर पर भी मैंने देके रखा हुआ है वो वाला क्वेश्चन थोड़ा बहुत चीजें मैं बोल देगा ओके और कल एक पॉइंट स्टोर मेंबर आया था जो मैंने बोला था जब आएगा तब बोल देगा ओके वो आज आ जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन ए क्वेश्चन नंबर सेवनटीन बी इट इज नॉट दैट दीज आर पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन वो नंबरिंग के अंदर गलत हो गया था टू सेवनटीन से कम इसलिए मैंने एक सेवनटीन ए बोल दिया ए को सेवनटीन बी बोल दिया ठीक है सुनो ये अलग अलग क्वेश्चन है दे आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन पढ़ेंगे तुम लोग को सॉल्व करने का है आंखें खोल के बराबर सुनना सब लोग ओके okay, सुनो फ्रॉम द फॉलिंग इन्फॉर्मेशर द मंथ ऑफ अक्टूबर प्रिपेर प्रोसेस थ्री अकाउंट एंड अदर अकाउंट अदर अकाउंट नॉर्मल लॉस या नॉर्मल गेन अकाउंट ठीक है ओपनिंग डब्लू आई पी इन प्रोसेस थ्री एटीन हंड्रेड एंड ट्वेंटी सेवन थाउजेंड एक मिनट ट्वेंटी सेवन थाउजेंड दिया हुआ है तो मैं बोवाला ने इस क्वेश्चन के ना मारूंगा कि नहीं मारूंगा no, no, sir. नहीं मारना प्लीज आगे ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस टू फोर्टी सेवन सेवन हंड्रेड यूनिट्स एट फाइव थर्टी सिक्स ट्वेंटी फाइव मेरे को बोलो ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस टू मतलब ये बटन है कि कपड़ा है क्लॉथ है ठीक है आगे ट्रांसफर टू वेयर हाउस मतलब प्रोसेस थ्री के बाद तुम लोग डायरेक्टली लिख देना बाय फिनिश गुड्स इज इज ओके आगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड यूनिट स्क्रैप्ड ये मेरे को थोड़ी देर में काम में आएगा डायरेक्ट मटीरियल एडेड इन प्रोसेस थ्री दिस इज समिंग लाइक बटन दिस इज समिंग लाइक बटन आगे डायरेक्ट वेजेस ओके प्रोडक्शन ओवर डिग्री ऑफ कंप्लीशन ओपनिंग स्टॉक उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक और उसके बाद स्क्रैप ठीक है देखो लेबर और ओवरहेड्स का लेबर और ओवरहेड्स का लेबर और ओवरहेड्स का हर जगह पर स्टेज ऑफ कंप्लीशन सेम है तो कॉमन कॉलम बना के काम हो जाएगा इज दैट ओके ठीक है आगे अभी ये वाला चीज में नहीं बोलेगा तो तुम लोग को नहीं पता चलेगा द नॉर्मल लॉस इन प्रोडक्शन वॉज फाइव सॉरी द नॉर्मल लॉस इन द प्रोसेस वॉज फाइव पर्सन ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्शन वर्ड को अंडरलाइन करो लिखो थ्रू पुट लिखो थ्रू पुट थ्रूपुट का मतलब वही है एंड स्क्रैप वॉज सोल्ड एट सिक्स पॉइंट सेवन फाइव बस क्वेश्चन तुम्हारा खत्म हो गया ठीक है ध्यान से सुनना अभी मेरी बात ध्यान से सुनना मेरी बात पहले ना थ्रूपुट निकालो उसका फाइव परसेंट निकालो और मेरे को बोलो एबनॉर्मल लॉस आएगा कि गेन आएगा ऑल दो यू नो कि गेन आएगा तो मेरे को बता देना फिर एबनॉर्मल गेन कितना आएगा क्योंकि तुम्हारे पास यूनिट स्क्रैप्ड का डेटा है तो प्रोसेस अकाउंट बनाने से पहले ही अपने को पता चल जाता है वैसे तो तू तू मेरे को बोलना एबनॉर्मल गेन कितना आएगा फोर फिफ्टीफ्टी फोर फोर फिफ्टी कैसे आता है ओपनिंग स्टॉक 1800 मैंने 1800 सो कैलसी के ऊपर लिया प्लस इनपुट फोर्टी सेवन मैंने ऐड किया लेस क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ये है 4500 ठीक है तो ये आ गया 45000 ओके okay. 45000 का पांच परसेंट में मारेगा ये आ जाएगा 2250 फाइव टू टू फाइव जीरो इज नॉर्मल लॉस बट यूनिट स्क्रैप दारो में एटीन हंड्रेड मतलब साढ़े चार सौ का नॉर्मल गेन हो जाएगा इज क्लियर अगर ये तुमको अभी स्ट्राइक हो जाता है पे फिगर आएगा कि तो तुम लोग को समझ में आई जाएगा ठीक है अभी कल एक पॉइंट श्योर मेंबर आया था ठीक है वो मैं तुमको दो मिनट के बाद एक्सप्लेन करता हूं ठीक है तुम लोग क्या करने वाले हो सुनो प्लीज दो मिनट के बाद स्टार्ट करना अभी मत स्टार्ट करना यहां पर एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनेगा ठीक है मत स्टार्ट करो आप प्लीज वो जल्दी मत करो एंड के अंदर एक चीज की वजह से तुम्हारा गलत काम हो ही जाएगा और इसके लिए ना फाइनली मेरे को एक काम वो करना पड़ेगा तुम्हारे काम करने के बाद भी तो यहां पे आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक यहां पे आ जाएगा पी टू मटीरियल्स यहां पे आ जाएगा मटीरियल्स यहां पे आ जाएगा लेबर यहां पे आ जाएगा फैक्ट्री बने ठीक ये वाला फिगर है ये वाला फिगर है ये है ये है ये है उसके बाद यहां पे आ जाएगा नॉर्मल लॉस ठीक है नॉर्मल लॉस ना ये वाला फिगर अगर डेसिमल्स में आएगा क्योंकि 6.75 है शायद डेसिमल्स के अंदर आए यू राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट रूपी अगर आएगा तो ठीक है उसके बाद यहां से फिनिश कुछ चला जाएगा यहां पे तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा और यहां पे तुम्हारा एबनॉर्मल गेन आ जाएगा ये टू टू फाइव जीरो है ये वाला फिगर फोर फिफ्टी आएगा ठीक है यहां पे आ जाएगा टू प्रोसेस थ्री यहां पे आ जाएगा बाय कैश बैंक मेरे को इतना तो जरा बोलो कैश बैंक वो वो कितने यूनिट्स का आएगा 1800. पागल वो कितने यूनिट्स का आएगा 1800. और बाकी जो है इन दिस पर्टिकुलर केस क्या हो जाएगा बेटा एबनॉर्मल गेन एबनॉर्मल फोर फिफ्टी यूनिट के हिसाब से यू ऑल अंडरस्टैंड दिस नो बेटा ये तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर किया था ओके okay, तो यहां पे आ जाएगा टू नॉर्मल लॉस 450 फिफ्टी यूनिट जिसका स्क्रैप वैल्यू यहां पे आ जाएगा बाई प्रोसेस थ्री बोथ दीज पर्टिकुलर फिगर्स ये तो 450 ही होएगा ये वाला फिगर विल बी कमिंग फ्रॉम योर प्रोसेस अकाउंट ओके एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पर डेबिट साइड पे आ जाएगा टू कॉस्टिंग पी एन एल अकाउंट ठीक है ये हो जाएगा तुम्हारा ये वाला फिगर ठीक है उसके बाद यहां पर यू विल रिक्वायर माय हेल्प जस्ट फॉर सम बिट मेरे ख्याल से तुम लोग अभी करेक्ट कर ही पाओगे स्टेटमेंट ऑफ इक्वालेंट आउटपुट ठीक है यहां पे एक टोटल आ जाएगा मेरे को बोलो यहां पे कॉलम्स के अंदर कितने कॉलम्स आएंगे बोलो मेरे को पी टू मटीरियल्स उसके बाद मटीरियल्स उसके बाद लेबर एंड ओवर इज इज ओके परसेंटेज यूनिट्स परसेंटेज यूनिट्स परसेंटेज यूनिट्स अभी सब लोग को बोलने का है यहां पर ना इन ऑल चार चीजें आएंगी मेरे को बोलो क्या चार चीजें बोलो चलो ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक टो प्रोसेस फर्दर एंड कंप्लीटेड आगे बोल स्टार्टेड एंड तो स्टार्टेड एंड तो फिनिश ठीक है थर्ड बोलो लेस एबनॉर्मल गेन ठीक है और कोई भी चीज लेस करते हो ना प्लीज ब्रैकेट के अंदर डाला करो एग्जाम्स के अंदर ही ऐड करोगे मैं तुमको बोल रहा हूं है? और लास्ट चीज यहां पे क्या आ जाएगा बेटा स्टार्टेड एंड फिनिश ठीक है सुन मेरे को जरा बोलो एबनॉर्मल गेन का परसेंटेज तुम लोग क्या लोगे ही क्या था एबनॉर्मल गेन का परसेंटेज तुम लोग क्या लोगे ही क्या था हंड्रेड परसेंट ही लेगा बेटा ओके बिकॉज वी ऑलवेज अज्यूम दैट एब गेन वाला यूनिट फुली हम लोग ऐसा क्यों करता है क्योंकि द कैलकुलेशन आर ईजियर बस क्योंकि अगर क्लोजिंग स्टॉक के अंदर से वो लेंगे ना फिर अपने को क्लोजिंग स्टॉक का स्टेज ऑफ कंडीशन उधर कॉपी करना पड़ेगा ठीक है सुनो और इसका स्टेज ऑफ कंप्लीशन तेरे को टेक्स बुक नहीं देगा इसका स्टेज ऑफ कंप्लीशन इंप्लाइड होता है जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर क्या था मेरे को एडवांस के अंदर ही बोल दो मेरे को यहां ओके okay? फिर उसके बाद जब रोमन नंबर टू करोगे ना दिस इज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट ठीक है तो यहां पर पी टू आ जाएगा उसके बाद मटेरियल उसके बाद लेबर एंड फैक्ट्री वरियज ठीक है अभी यहां पर एक पंगा आएगा आज तक ना तुम्हारे ये वाले फिगर्स जो थे ना एग्जैक्ट फिगर्स आते थे पिछले क्वेश्चन के अंदर भी 0.8 0.2 0.3 0.7 पर एग्जैक्ट फिगर्स राउंड ऑफ नहीं किया था इस इस क्वेश्चन के अंदर ये शायद एग्जैक्ट ना आए आई एम टेलिंग यू ऑल ठीक है तो फिर क्या करना टू डेसिमल तक राउंड ऑफ करके लिख देना लेकिन क्या है एक बार तुम लोगों ने राउंडिंग ऑफ स्टार्ट कर दिया ना फिर तुम्हारा सम टैली नहीं होएगा लेकिन और कुछ ऑप्शन वो है ही नहीं वो करना इन एंड आई शो यू तक थी सबसे पहले टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड निकाल लेना उसके बाद सेकंड यहां पे एबनॉर्मल गेन निकाल लेना सबको समझ आता है गेन का काम एक ही लाइन के अंदर खत्म हो जाएगा yes, और उसके बाद थर्ड वाला जो क्लोजिंग स्टॉक है ना ये वाला चीज तुम लोग मत करना डू नॉट डू इट ओके डू नॉट डू इट आई विल बी डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग फॉर यू क्योंकि क्या है अगर तुम लोगों ने सब कुछ कंप्यूट किया और अपने अकाउंट के अंदर तो वो डाला ना, दीज फिगर्स पर राउंडेड ऑफ फिगर्स और ये वाला फिगर्स तुम्हारी कैलकुलेशन के अंदर बहुत बार जाएगा तो शायद तुम्हारा अकाउंट टैली ना हो तो एंड के अंदर अपने को ना कुछ एडजस्टमेंट वो करना आ, कुछ एडजस्टमेंट जो है वो करना पड़ेगा ताकि वो टैली हो जाए ठीक है तो दैट एडजस्टमेंट आई विल शो यू द एंड नॉट राइट नाउ ठीक है तुम लोग बाकी सब कुछ स्टार्ट टू एंड खत्म करो ठीक है मैं तुमको इनऑल ट्वेंटी टू मिनट दे रहा हूं ये मेरा साइंटिफिक वे है मेरे को पता होता है कि इन हाउ मच टाइम यू विल कंप्लीट ओके तो ट्वेंटी टू मिनट्स के अंदर नहीं ट्वेंटी टू मिनट्स के अंदर तुम्हारा काम जो है वो होना चाहिए चलो अभी स्टार्ट स्टार्ट, स्टार्ट, स्टार्ट। हो ही गया। यू यू ऑल मैं दस मिनट के बाद नहीं मैं बारह मिनट के बाद आई विल बी राइटिंग डाउन कि वो कॉस्ट पर यूनिट कितना आता है अगर किसी ने मेरे को तब तक बताया तो तुम लोग स्टार्ट करो और नीटली काम करना इतने टाइम के अंदर आराम से करोगे तो नीट काम ही होएगा आगोश वो गलत है बेटा नॉर्मल कॉस्ट वो नहीं आता है एटीन पॉइंट फोर एट नहीं आता है प्रथम वो ठीक है अच्छा एक चीज अगर बीच में कोई कंफ्यूज है तो तुम लोगों को फीफो के हिसाब से ब्रेकअप करना होता है जब करोगे इसका तीन पार्ट होएगा नॉर्मल लॉस फिनिश वो स्टार्टेड एंड फिनिश वाला और क्लोजिंग स्टॉक लेकिन ये टैली नहीं होएगा तो एंड के अंदर 450 लेस करना पड़ेगा जैसे हम लोगों ने कल किया था विदुषी करेक्ट है तजीम करेक्ट है कुशाल थोड़ा सा गलत है बेटा 18.11 नहीं आता 18 इंट फोर सेवन आता है एटीन पॉइंट फोर सेवन आता है उसका ब्रेकअप इज इलेवन पॉइंट फोर सेवन फोर एंड थ्री remember. एज आई रिमेंबर I'm just writing few things bit fast excuse me if you don't have the question so just give me a minute's time. i'll do that eighteen hundred twenty seven 536 hundred five thirty six six twenty five one seventy seven eight forty Eighty seven eight forty forty three nine twenty two two five zero finish goods forty three two hundred closing stock 4500. 18.63 एटीन पॉइंट सिक्स थ्री नहीं आता एटीन पॉइंट फोर सेवन आता है एटीन पॉइंट फोर सेवन आता है बेटा एटीन पॉइंट फोर सेवन टू कैनॉट बिकम एटीन पॉइंट फोर एट बेटा ज टू बिकम एटीन पॉइंट फोर सेवन एटीन पॉइंट सिक्स थ्री नहीं आ रहा है बेटा और वो फोर और थ्री जो आता है वो एग्जैक्ट आता है वो राउंड ऑफ नहीं आता मेरे ख्याल से uh,

फोर फाइव फोर फाइव जीरो फिर मटीरियल फोर 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 सिक्स जीरो फोर थ्री नाइन नाइन टू जीरो सब लोग एक बार चेक कर लेना दि शुड नंबर्स और ये एटीन पॉइंट फोर सेवन आता है उसका ब्रेकअप शुड बी इलेवन पॉइंट फोर सेवन फोर एंड थ्री विदुषी अगर ये करेक्ट है बेटा वो करेक्ट ही होएगा फिर मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं फॉर दोज पीपल जिनके पास बुक नहीं है कंप्लीट करो तुम लोग फैक्ट्री ओवर ये रहा। 80, आपको ये वाला अमाउंट चाहिए एटी इक्वालेंट आउटपुट। मटीरियल फोर 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 सिक्स जीरो सब लोग ब्रेकअप क्या करो हा ये वाला फिगर बहुत लोग गलत कर लेते हैं ये वाला फिगर क्योंकि तुम लोग ब्रेकअप नहीं करते प्लीज यहां पे 43 200 नहीं आएगा यू हैव टू डू द ब्रेकअप बेस्ड अपॉन द मेथड साक्षी आई जस्ट चेक बेटा, आई एम नॉट वेरी श्योर उंट हाँ, के अंदर वो नॉर्मल लॉस का जो स्क्रैप वैल्यू है तो वो भी एडजस्ट हो जाएगा प्रोसेस टू का इलेवन पॉइंट फोर सेवन कैसे आया आ, बेटा प्रोसेस टू का जो कॉस्ट है प्रोसेस टू का कॉस्ट फाइव थर्टी सिक्स सिक्स ट्वेंटी फाइव फाइव थर्टी सिक्स सिक्स ट्वेंटी फाइव माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ लॉस डिवाइडेड बाय फोर्टी फाइव फोर वन 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 फाइव फाइव एट 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 ये देख फिर मटेरियल वन सेवेंटी सेवन एट फोर्टी डिवाइडेड बाय फोर 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 सिक्स जीरो और यहां पे दो नंबर ऐड करेंगे 87840 सेवन एट फोर्टी प्लस फोर्टी थ्री नाइन ट्वेंटी डिवाइडेड बाई फोर्टी थ्री नाइन ट्वेंटी somebody has told me this figure so i am just trying to be writing it other people can uh, cross check and tell me this is 795 258 not sure Ek bar sub check abnormal gain will be 415 into 11.47 8312 इंटू एटीन पॉइंट फोर सेवन सॉरी सॉरी तंजीम योर टॉकिंग ऑफ विच पर्टिकुलर फिगर जो एब नॉर्मल गेन से कॉस्टिंग पेनल अकाउंट को जाता है तंजीम एब नॉर्मल गेन इज 8312 बीटा 450 यूनिट्स इनटू 18.57 वो तो डायरेक्ट कैलकुलेशन ही हो जाएगा आपका वो एब नॉर्मल गेन अकाउंट में जाएगा वहां से नॉर्मल लॉस एडजस्ट होके के द बैलेंसिंग फिगर सर कॉस्टिंग बेस नाइन में 5274 हो जाएगा 5274 ये वाला फिगर 5274 है सर, इसमें stock, निकल हाँ तो वही करने वाले हैं जस्ट एक मिनट के लिए वेट कर लो तुम आप बैलेंसिंग फिगर तो वो नि निकाल के वो रख ही लो चलेगा तो ना में इसकी दिखाना पड़ता है। हाँ, हाँ, वो मैं कर रहा हूं। तो, तो इसलिए मैंने कुछ पार्ट पार तो वो बाकी हाँ हाँ टोटल हाँ, हाँ, कॉस्ट ये सब कुछ तो दिखाना पड़ेगा वेट जस्ट वेट वेट फॉर समय पिछले सम में बोला ना हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते बेटा पिछले सम के अंदर कर सकते थे बिकॉज ऑफ दैट एजम्शन इस क्वेश्चन के अंदर वो नहीं कर सकते

ये अपने अकाउंट के अंदर डालना गेट क्लोजिंग स्टॉक एज अ बैलेंसिंग फिगर दैट शुड बी सेवन वन जीरो नाइन वन और वेट करो देर आर फ्यू थिंग्स टू बी रिटर्न सेवन वन जीरो नाइन वन कैश बैंक ना बेटा कौन सा वो नौर, वो नॉर्मल लॉस के अगेंस्ट क्या 1800 ना? 1, 2, 1, 5, yes, बाकी फोर फिफ्टी इन टू मैं एक मिनट और दे रहा हूँ फॉर पीपल हैव नॉट कंप्लीटेड दो थ्री जीरो वाला फिगर कॉस्टिक फाइव टू सेवन फोर ये रहा सेवन नाइनटी फाइव टू फिफ्टी एट सेवन नाइनटी फाइव टू फिफ्टी एट चलो सुनो देखो uh, मेरे को एक बार जरा बोल देना यू टिल हियर नो एवरी वन सुनो अभी ना इसके बाद वट आई एम डूइंग नाउ इज समथिंग दैट यू ऑल माइट नॉट डू इन एग्जाम्स आई एम ओनली डूइंग इट ताकि वी ऑल नो दैट वॉट एव वी ऑल हैव सॉल्ड इज ऑल करेक्ट ठीक है तो एक काम जरा करो लिखो थर्ड क्लोजिंग स्टॉक पी टू मटीरियल्स मटीरियल्स Labor and FOH forty five hundred three one five zero two two five zero into 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 eleven point four seven four and three ये करो इसका टोटल अमाउंट निकालो पहले सेवेंटी थाउजेंड नाइन सिक्सटी थाउजेंड सुनो तो सब लोग मेरी बात सुनना ये वाला अमाउंट सेवन वन जीरो नहीं आएगा ओके okay. मेरे को बोलो इस बार दिक्कत क्या हुआ क्यों टैली नहीं हो रहा क्योंकि ये वाला फिगर एग्जैक्ट फिगर नहीं था तुम लोगों ने इलेवन पॉइंट फोर सेवन टू वगैरह को राउंड ऑफ किया ऑब्वियसली जब आप ये वाली चीजों को ये वाला इलेवन पॉइंट फोर सेवन टू के बदले में आप लोग 11.47 ही लिखते हो और फिर वो वाले नंबर्स को इधर यूज करते हो यू आर मल्टीप्लाइंग बाय दीज पर्टिकुलर बिग बिग नंबर्स तो फर्क भी बड़ा ही आएगा ठीक है दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू सेवन वन जीरो नाइन वन दैट यू हैव गॉट अब ठीक है अभी ऑब्वियसली मेरे को सेवन वन जीरो नाइन वन ही लिखना पड़ेगा ताकि मेरा अकाउंट वो टैली हो जाए ठीक है तो जस्ट फॉर योर रेफरेंस वी आर डूइंग दिस इन एग्जाम्स माइट नॉट बी डूइंग आल्सो ओके वरना अगर करने का है दिस इज द बेस्ट काइंड ऑफ अ प्रेजेंटेशन दैट वी ऑल कैन बी डूइंग एक बार ये आंसर आ जाए ना यहां पे फिर लिख देना राउंडेड ऑफ टू राउंडेड ऑफ टू रुपीज सेवेंटी टू टैली अगर टाइम होएगा एग्जाम्स के ना यू ऑल कैन बी डूइंग दिस इससे अच्छा कुछ प्रेजेंटेशन वो हो नहीं सकता अगर नहीं होएगा इट्स ओके okay. ये पॉइंट नंबर थ्री तो करना ही मत यू कैन डायरेक्टली टेक योर क्लोजिंग स्टॉक एज अ बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाता है इफ यू ऑल डू दिस नो दिमाग के अंदर वन थिंग यू आर श्योर कि मैंने जो भी किया है ना एंड के अंदर टैली वो हो गया था थोड़े छोटे पैसों से नहीं टैली हुआ बिकॉज ऑफ द राउंडिंग ऑफ इफेक्ट ठीक है कैन आई अज्यूम दैट दिस वर्क इज ओवर ऑफ एवरीबडी ठीक है तो आई वुड बी डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग इन क्लास फॉर श्योर एग्जाम्स के ना करने का है कि नहीं वो आपकी मर्जी है दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइम अवेलेबिलिटी और एक चीज शायद आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया हो किसी ने शायद वो पूछा नहीं मेरे को लेकिन ये वाला स्टेज ऑफ कम्प्लीशन मेरे को काम में नहीं आया ये वाला स्टेज ऑफ कम्प्लीशन मेरे को तब काम में आता है जब ही अब लॉस होता है जब एबनॉर्मल गेन होता है तो दिस स्टेज ऑफ कंप्लीशन विल एक्चुअली बी एप्लीकेबल टू नॉर्मल लॉस और अपने को नॉर्मल लॉस का कभी कॉस्ट नहीं निकालना होता बिकॉज नॉर्मल लॉस इज ऑलवेज वैल्यूड एट स्क्रैप वैल्यू ठीक है यही वाला चीज ना अपने कल के क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट था जो मैंने थोड़ा सा पढ़ा देन आई स्किप्ड इट वो वाला मैं आप पढ़ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 15 के इन सच स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्रैप्ड यूनिट्स आर गिवन ignore it as it must be for normal loss and normal loss is valued at scrap value not applicable to this question to so, us question ke andar wo wala cheez wo nahi tha actually maine is question ke liye to wo wala cheez wo likha hota and yahan pe I've written that also stage of completion of scrap is of no use as it pertains to normal loss which is always valued at scrap value aage uh, stage of completion of p2 material is implied okay ye same cheez hai it is repeat of the last question why it is 0 100 and 100 ठीक है स्टेज ऑफ एबनॉर्मल इज ऑलवेज टेकन एज हंड्रेड परसेंट ये भी वही है जो दो क्वेश्चन पहले किया था ठीक है चलो इस चीज से मेरे ख्याल से अपना आज का लेक्चर इज कंप्लीटली डन होनी। तुम्हारा ये वाला जो क्वेश्चन है ऑल डन। अभी क्या होगा ना नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे वी आर गोन्न जहां पर प्रोसेस वन भी आएगा प्रोसेस टू भी आएगा ताकि एक दो क्वेश्चन ऐसे वो आ जाए जहां पर वी ऑल डू एंड ट्राई टू प्रिपेयर ऑल दिल्ली ठीक है सो इन एनी केस दिस लेक्चर इज ऑल डन फ्रॉम आर साइड